हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 2 ऑफ क्लास 11th फिजिक्स, दैट इज़ काइनेमेटिक्स। बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि इस पूरी यूनिट में कैलकुलस वाला जो पार्ट हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था वो यहाँ पे यूज़ होने वाला है, दैट इज़ डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने आपको जितनी ज़रूरी थी उतनी पढ़ाई है। आप प्लीज़ इस यूनिट को करने से पहले आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को रिवाइज़ करें, उन चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जो चीज़ें मैंने नहीं बताई होंगी वो मैं यहाँ पे आपको साथ के साथ बताता जाऊँगा, जैसे वेक्टर अलजेब्रा। तो जितना हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो साथ साथ मैं आपको क्लियर करता चलूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करना चाहूँगा, उसको आंसर करेंगे। बहुत बेसिक सा लेक्चर रहने वाला है, ध्यान से समझिएगा। ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं लिखूँगा, वर्बली ज़्यादा बोलूँगा, तो जितना हो सके जो मैं बोलता जाऊँगा उसको आप साथ साथ नोट करते चलें। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, डिफाइन मैकेनिक्स डिस्टिंग्विश बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। सो सबसे पहले आंसर करने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज़ दिस मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या है? आराम से समझें बच्चों, हम अपनी डेली लाइफ में डेली बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें हमें मोशन में दिखती हैं यानी चलती हुई दिखती हैं, कुछ चीज़ें हमें रेस्ट पे दिखती हैं। जैसे आप किसी पहाड़ को देखते हैं, दैट इज़ एट रेस्ट। आप अपना घर ले लीजिए, दैट इज़ एट रेस्ट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई पत्थर है रेस्ट पे है, हमें जो डेली हम ऑब्ज़र्व करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें चलती हुई दिखती हैं, जैसे मूविंग कार, मूविंग बस, कोई एनिमल चल रहा है, दोज आर ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स। सो इन सब की स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स क्या है, ध्यान से समझें, मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज़ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस चीज को आप साथ में नोट डाउन कर लें, व्हाट इज मैकेनिक्स। आई एम गोइंग टू डिफाइन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद the study of motion of object। So this is mechanics। Mechanics हमने क्या बोला बहुत simple words में, mechanics is the branch of physics। ये physics की एक branch है जिसमें हम क्या study करते हैं, we study about the motion of object। Object का motion कैसे हो रहा है, वो rest में है तो कैसे है, क्या क्या फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही होंगी, ये सब हम मैकेनिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। जो मैकेनिक्स हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है, इस मैकेनिक्स को फर्दर हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टैटिक्स, सेकेंड वन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड डायनेमिक्स। सो मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, जिसमें से हम स्टार्ट करने वाले हैं विद काइनेमेटिक्स, उसके बाद हम जाएंगे डायनेमिक्स वाले पार्ट पे। तो सबसे पहले समझें ये स्टैटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है। स्टैटिक्स पे अगर हम पहले आएँ, व्हाट इज दिस स्टैटिक्स, स्टैटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ एट रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लें, स्टैटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच
ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट when it is at rest जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उस टाइम पे जो हम उसकी स्टडी करते हैं दैट कम्स अंडर स्टैटिक्स. नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद study of object when it is in motion. So what is kinematics? Kinematics is the branch of mechanics which deals with the study of object when it is in motion. साथ में जो अब लाइन में लिखने जा रहा हूँ that is very 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 important. Which deals with the study of object when it is in motion without considering the cause of motion. So kinematics क्या है? Kinematics is the branch of mechanics which deals with the study of object when it is in motion and very important line is without considering the cause of motion. Object का motion कैसे हुआ होगा, क्या क्या forces उसके ऊपर लगी होंगी, इन सब के बारे में हम kinematics में नहीं पढ़ते. हमें सिर्फ मतलब है एक चीज़ से, that is object move कर रहा है, हम सिर्फ वही study करते हैं क्यों move किया, किन फोर्सेस की वजह से मूव किया, ये हम काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ते. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस इन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, जो आपसे पूछा भी गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. डायनेमिक्स भी क्या है? डायनेमिक्स इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ इन मोशन बट विद कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. यहाँ पर हम ये भी पढ़ते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ, ऑब्जेक्ट मूव किया, किन फोर्सेस की वजह से मूव किया, कितनी फोर्स लगी, ये सारा हम स्टडी करते हैं डायनेमिक्स पार्ट में. तो जो हमारे चैप्टर आते हैं दैट इज़ फोर्स, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, दैट ऑल कम्स अंडर डायनेमिक्स. सो व्हाट इज़ डायनेमिक्स? अब आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. डायनेमिक्स इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with study of motion of object when it is in motion. Study of, या ऐसे लिखें आप सीधा, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन विद कंसीडरिंग द कॉज के साथ ब्रैकेट में लिख लें फोर्सेस, विद कंसीडरिंग द कॉज और फोर्सेस ऑफ मोशन, किन फोर्सेस की वजह से मोशन हुआ, जब हम ये भी स्टडी करते हैं दैट कम्स अंडर डायनेमिक्स. सो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम काइनेमेटिक्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के साथ, फिर हम मूव करेंगे डायनेमिक्स के ऊपर. तो बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछा जाएगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन आपको इसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज़ दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सबसे पहले आप एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर करें, देर इज़ नो थिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट. एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती.
जब भी हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो हम हमेशा किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में ये बोल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सेइंग दैट बुक इज़ एट रेस्ट। मैंने बोला बुक इज़ एट रेस्ट ऑन द टेबल। बुक एक टेबल के ऊपर है और रेस्ट पे है, ये मैंने बोला। तो मेरे बोलने का मतलब क्या है? मेरे बोलने का मतलब ये है दैट दिस बुक इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द टेबल। टेबल के रिस्पेक्ट में ये बुक रेस्ट में है। और आई कैन ऑल्सो से दैट दिस बुक इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में ये बुक रेस्ट पर है। तो जब भी हम किसी चीज़ के मोशन के बारे में बताते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट पे है, तो हम हमेशा किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में ये बोल रहे होते हैं। अगर मैं उसी बुक को मून के रेफरेंस, मून के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूं, तो बुक मुझे मोशन में लगेगी। सो दैट इज़ द डिफरेंस जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं कि वो मोशन में है या ऑब्जेक्ट में है। तो बिल्कुल दिमाग में ध्यान रखिए, जब भी मैं बोलूं दैट ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन, मैं हमेशा किसी ना किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में ये बोल रहा हूँगा। सो व्हाट इज़ दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सो फॉर टेलिंग पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन बताने के लिए हमें सेट करनी पड़ती है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, उसकी डिस्प्लेसमेंट, ये सब बता सकें, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फॉर टेलिंग पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी मस्ट नीड टू सेट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब भी मुझे अगर इस मार्कर की पोजिशन बतानी है, तो मुझे सेट करनी पड़ेगी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड फॉर सेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी नीड टू थिंग्स। हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। द फर्स्ट वन इज़ रेफरेंस बॉडी, और जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। द सेकेंड वन इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सेट करने के लिए हमें किन दो चीज़ों की ज़रूरत है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किन दो चीज़ों से मिलके एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है। दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेट, सॉरी द फर्स्ट वन इज़ योर ऑब्जर्वर, और जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस बॉडी। एंड द सेकेंड वन इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम अवेलेबल हैं, जैसे रेक्टेंगुलर और यू कैन से कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इनके बारे में अभी थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। फिलहाल हमें इतना पता चला फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे बनती है, किन दो चीज़ों से मिलके फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनती है। द फर्स्ट वन इज़ योर ऑब्जर्वर और रेफरेंस बॉडी, एंड द सेकेंड वन इज़ योर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रिएट करते हैं। सो लेट अस से देयर इज एन इंसेक्ट, देयर इज एन इंसेक्ट हेयर, एंड आई वॉन्ट टू स्टडी द मोशन ऑफ दिस इंसेक्ट। मैं इस इंसेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करना चाहता हूँ। तो अभी फिलहाल, अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट इज़ इन मोशन, ये चल रहा है। सो इसकी मोशन के बारे में अगर हमें स्टडी करना है, तो जब तक मैं इसकी पोजीशन फिक्स नहीं कर लेता कि ये है कहाँ पर, तब तक इसके मोशन के बारे में तो आप भूल जाइए। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम तो यही है दैट फिक्स द पोजीशन ऑफ दिस इंसेक्ट। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? दैट फिक्स द पोजीशन ऑफ दिस इंसेक्ट और फिक्स द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब इंसेक्ट की पोजीशन को फिक्स करने के लिए हमें कोई रेफरेंस तो चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में मैं इसकी पोजीशन को फिक्स करूँगा। इसके लिए दैट इज़ सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, दैट इज़ रेफरेंस बॉडी और यू कैन से ऑब्जर्वर। सबसे पहले हम फिक्स करेंगे ऑब्जर्वर को। लेट ऑब्जर्वर इज हेयर, हेयर इज ऑब्जर्वर। आई डिनोट दिस ऑब्जर्वर विद, लेट ऑब्जर्वर की जगह मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ ओ। ओ डिनोट्स ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वी फिक्स द पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर। हमने क्या फिक्स कर दिया? हमने ऑब्जर्वर की
पोजिशन फिक्स कर दी विद रिस्पेक्ट टू दिस इंसेक्ट। इंसेक्ट कहीं यहाँ पर है, मान लेते हैं इंसेक्ट को मैं पी से डिनोट करता हूँ, एंड ऑब्जर्वर को हमने फिक्स कर दिया एट पॉइंट ओ। अब हम क्या करेंगे, हम इस ऑब्जर्वर की पोजिशन को हम मान के चलेंगे हमारे लिए ये ओरिजिन है। रीज़न बीइंग हम यहीं से खड़े होके इस इंसेक्ट के मोशन की स्टडी करने वाले हैं। सो वी विल मेक दिस ऑब्जर्वर एट एज ओरिजिन। हमारे लिए ऑब्जर्वर क्या हो गया, ओरिजिन, ये कहीं ओरिजिन पर खड़ा है। अब हम क्या करेंगे, वी विल सेलेक्ट अ सूटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वी विल प्लेस दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम हेयर। लेट आई एम सेलेक्टिंग हेयर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और यू कैन से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज पॉजिटिव एक्स, दैट इज पॉजिटिव वाई, दिस इज पॉजिटिव जेड। तो हमने क्या किया, स्टेप्स क्या हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैं लिखना नहीं चाहता था कि आप साथ में खुद लिखें, लेकिन स्टेप्स मैंने क्या फॉलो किए, आप पूरी चीज़ साथ में लिखें कि हमें किसी इंसेक्ट के मोशन की स्टडी करनी थी। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले फिक्स द ऑब्जर्वर, हमने ऑब्जर्वर को फिक्स किया। देन वी सेलेक्टेड सूटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने एक सूटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट किया, जो यहाँ पे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट किया है, ओ एक्स वाई जेड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, जो इस बोर्ड से बाहर की तरफ को हैं। मैं यहाँ पे पूरा थ्री डायमेंशनल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे रखने से फ़ायदा क्या हुआ, आई कैन टेल द पोजिशन ऑफ दिस इंसेक्ट। अब मैं इस ऑब्जेक्ट की पोजिशन क्लियरली बता सकता था, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है कि हम किस तरह से इन चीज़ों को दिखाते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सो फ़ायदा क्या हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम रखने से, हमें पता चल गई इस इंसेक्ट की इस, अब देखिए ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, ये बन गया एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने के लिए, एक चाहिए था हमें ऑब्जर्वर जो कहाँ पर है किसी ओ पॉइंट पर, दूसरा चाहिए था हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो भी यहाँ पे है। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इस इंसेक्ट की पोजीशन बता सकता हूँ, कहाँ पर है ये, ये है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पर हम इसकी पोजीशन को बता सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से इस इंसेक्ट को एक लाइन से मिला दूं और यहाँ पे एक एरो मार्क कर दूं, दिस एरो विल रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर। सो नेक्स्ट हमने क्या किया, दिस इज स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री इज जॉइन ऑब्जर्वर विद ऑब्जेक्ट बाय अ लाइन, और ये R हम इसे क्या बोलते हैं, दिस R इज पोजीशन वेक्टर। इनके बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर क्या होता है इनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो अभी आप इतना समझें। पोजीशन वेक्टर क्या है आपको समझ आ जाएगा। हमने क्या किया, ऑब्जर्वर को इंसेक्ट की पोजीशन जहाँ पर थी उस पॉइंट के साथ मिला दिया, मिलाने पे एक एरो आप ड्रॉ कर देंगे, दिस विल रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, इंसेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, हमेशा जब भी हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, पोजीशन वेक्टर का मतलब होगा पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस इंसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर, आर के ऊपर आप एक एरो लगा देंगे, दिस इज कॉल्ड आर वेक्टर, ये साइन है वेक्टर का। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनी पोजिशन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आर इज इक्वल टू, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं पी पॉइंट के, दैट इज एक्स वाई जेड, एक्स के साथ आप लगाएंगे आई कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये लिखने का तरीका रहता है पोजीशन वेक्टर। जब हम वेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे भी ये सब रिपीट होगा, लेकिन आप साथ साथ में समझते चलें पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट होते 2, 3, 4 तो हम पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू कैसे लिखते, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो यहाँ पे 2, 3, 4 की जगह है एक्स वाई जेड, वी विल राइट इट एज एक्स के साथ आप लगाएंगे आई कैप प्लस वाई के साथ जे कैप प्लस जेड के साथ के कैप। सो आई कैप इज द एक्स कंपोनेंट, जे कैप इज द वाई कंपोनेंट, के कैप इज द जेड कंपोनेंट। तो इस तरह से हम किसी भी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें स्टडी करना था इस ऑब्जेक्ट का मोशन, इस इंसेक्ट का मोशन। तो हम क्या करेंगे, हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ एक क्लॉक अटैच कर देंगे। एक क्लॉक हमने अटैच कर दी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ और देखेंगे कि टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, अगर टाइम के साथ इस इंसेक्ट के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो इंसेक्ट है वो मोशन में है। अगर टाइम के साथ इस इंसेक्ट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ही रहते हैं, इनमें कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं आता, इसका मतलब इंसेक्ट रेस्ट पे है। तो हमें यही स्टडी करना था कि इसका मोशन कैसा है, रेस्ट पे है या ये चल रहा है। कैसे स्टडी किया, पहले हमने ऑब्जर्वर फिक्स किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ने सेलेक्ट किया सूटेबल, जो हमें सूटेबल लगा। नेक्स्ट हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, एक क्लॉक को हमने अटैच कर दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। अगर टाइम के साथ इस इंसेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, इस इंसेक्ट के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं टाइम के साथ, तो हम बोलेंगे कि ये इंसेक्ट मोशन में है। अगर टाइम के साथ इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनमें ना तो कोई इंक्रीमेंट होता ना डिक्रीमेंट होता है, इसका मतलब इंसेक्ट कैसा है, दैट इज़ एट रेस्ट। दिस इज़ हाउ वी स्टडी द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर टाइम के साथ इस इंसेक्ट के, इस ऑब्जेक्ट के तीनों कोऑर्डिनेट्स, दैट इज एक्स वाई जेड, तीनों चेंज होते हैं तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 3D मोशन। तो इस चीज़ को आप ज़रूर यहाँ पे नोट करें। और बच्चों जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं, कोशिश करना आप अपनी लैंग्वेज में पॉइंट के रूप में आप उनको लिखें। प्लीज़ होमवर्क में भेजना, मैं देखना चाहूँगा आप किस तरह से चीज़ों को अपने हिसाब से लिखते हैं। तो जो मैंने अभी बोला वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं हमने कैसे स्टडी किया इसका मोशन। बच्चों ज़रूर बताइएगा आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आया या नहीं, क्योंकि मैं आज कोई ज़्यादा पार्ट नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक था ये, समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है जब भी हम बाद में जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, हम सीधा लिखेंगे लेट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ एक्स वाई जेड, तो अगर उनसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उनको नहीं पता होता। तो इसीलिए इतनी डिटेल में मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो आई एम टॉकिंग अबाउट इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स थ्री कौन कौन से एक्स वाई जेड चेंजेस विद टाइम सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 3D मोशन। अब आपको समझ आ गया होगा 3D मोशन क्या होगा। अगर टाइम के साथ तीनों कोऑर्डिनेट इस इंसेक्ट के चेंज होते हैं, इसका मतलब इस इंसेक्ट का मोशन कैसा है, दैट इज 3D मोशन। और इसी को हम बोलते हैं 3D मोशन को मोशन इन स्पेस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं पे अगर मोशन इन स्पेस लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है उस कोऑर्डिनेट के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद टाइम। नेक्स्ट इज इफ only 2 coordinates changes, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँगा आप पूरा लिखें, if only 2 coordinates changes with time, इरेज कर लेते हैं नीचे वाला पार्ट,
if only two coordinates changes with time, such type of motion is called two dimensional motion. Such type of motion is called two dimensional motion. ऐसे motion को हम बोलते हैं two dimensional motion. और इसी का दूसरा नाम भी है motion in a plane. मोशन इन अ प्लेन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. थर्ड इज इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम, इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन. वन डायमेंशनल मोशन, और इसी को हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो दिस इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ थी वो यहाँ पे आपके सामने लिखी हैं. इनको अच्छे से पॉइंट बना के अपने नोट्स में एड ऑन करें, और प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. अगर आपसे वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम पूछ ले, तो मैं यहाँ पे नाम आपको बता देता हूँ. डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं. फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, जिनको हम अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें किस हिसाब की ज़रूरत है. द फर्स्ट वन इज़ कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसी का दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. द सेकेंड वन इज पोलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. एंड द थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो ये तीन टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास अवेलेबल हैं. अब यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में मुझे भेजना है. अगर आपको ये समझ आ गया है, थोड़ा सा आप भी अपनी बुक में खोजबीन करें, पढ़ने की कोशिश करें. समझ नहीं आएगा तो बच्चों पूछ लेना, तो ऑल टाइम आपके लिए अवेलेबल हैं. क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज़ What do you mean by frame of reference? Name, जो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, name different types of फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय. इसके बारे में आप बुक से पढ़ें और आंसर करें. समझा तो आपको यहाँ पे दिया, व्हाट डू यू मीन बाय कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्योंकि हमारे लिए आपके 11th के फिजिक्स के हिसाब से ओनली यही इम्पोर्टेंट है. जो रहे आपके स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, इनको आप हाइयर क्लासेस में जब जाते हैं तो वहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो अभी आप उस पर ना जाएं. व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. डिस्टिंग्विश बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देखते हैं आपको कितना बुक से पढ़ के समझ आता है. इस क्वेश्चन का बच्चों ये जो ये वाला पार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंपॉर्टेंट है, जरूर इसके बारे में पढ़ें. समझ नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना. क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा. कुछ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा. आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल दीज थिंग्स एंड द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. थैंक यू सो मच.